हेलो स्टूडेंट्स, हम रीट एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने हिंदी सेकंड लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक टॉपिक वर्ण विचार कंप्लीट कर चुके हैं। इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि सैटरडे संडे जो हमने क्लास ऑफ रख रखी है, तो मैं सैटरडे को वर्ण विचार का कंप्लीट टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी। प्लीज़ आप उसका रिवीजन कंटिन्यू करिए। और अभी हमारा सेकंड टॉपिक शब्द विचार चल रहा है, जिसमें हम अपना पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम शब्दों को देखा। आज हम तत्सम और तद्भव की पहचान के विशेष नियम देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट तत्सम तद्भव शब्दों को आप पूछा जाता है, तो आपको कुछ नियम याद होने चाहिए कि इस जगह पे तत्सम शब्द लगते हैं और यहाँ कहीं कहीं पर किसी कौन से नियम के अनुसार तद्भव शब्दों का तद्भव शब्द लगते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन तत्सम और तद्भव की पहचान के विशेष नियम। पहला नियम है कि जहाँ पर श्रक्षत्रियाय, त्रिशूल, गज्ञानी और श्रमिक, श्रय, त्र, ज्ञ और श्रय युक्त शब्दों का शब्द हो तो वहाँ पे तत्सम होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से जब श्रय क्षत्रिय को ख खरगोश में ख में बदल जाता है, त्र त में, ज्ञ ज में और श्रय स में, तो ये क्या हो जाते हैं, तद्भव शब्द बन जाते हैं। देखिए हम इनके शब्द उदाहरण देखते हैं डायरेक्ट। देखिए श्रय का ख में जो तत्सम शब्द हैं, फिर इसके तद्भव कैसे बनते हैं। अक्षत, अखत, ये जो श्रय क्षत्रिय है इसका क्या बदलाव हो गया ख खरगोश में, क्षत्रिय, खत्री। अक्षय, आखा, अखतीज, अक्षय तृतीय बोलते हैं ना, आखतीज। अक्षय संस्कृत शब्द है तत्सम से और आखा तद्भव शब्द है। कुशी, कोक, अशी, आंख, भिक्षा, भीख, वृक्ष, विरक। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कुछ ही शब्द लेकर के आई हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ 9 से लेकर 12 तक की जो RBSC की बुक्स चलती है, उसमें अच्छे, बहुत अच्छे तरीके से तत्सम तद्भव शब्द दे रखे हैं। आप उनको एक बार जरूर रीडिंग करना, जरूर अच्छे से याद करना, और जब हम टेस्ट सीरीज शब्द विचार के लेंगे तो हम उनमें से जरूर क्वेश्चंस लेंगे। तो प्लीज़ आप उनको जरूर तत्सम तद्भव को उस वहाँ से 9 से लेकर 12 तक की हिंदी रचना बुक चलती है RPSC बोर्ड में। ठीक है, तो RBSC बोर्ड में, तो आप उसे जरूर पढ़िएगा। अब देखिए नेक्स्ट, आगे त्र को त में परिवर्तित हो जाता है। त्र क्या है, तत्सम शब्दों में आता है और तद्भव किस में, त में। अब मित्र, मीत, चेत्र, चेत, पत्र, पत्ता, तिणी, तीन, छत्र, छाता, ये जो त्र है ये ता में, छाता। अब ज्ञानी इसको ज में बदल जाता है। देखिए तत्सम, ज्ञानी, जानी, यज्ञ, यज्ञ, अज्ञान, अजान, ज्ञानवान, ज्ञानवान, जानकार, ज्ञानवान, जानकार। ठीक है, अब इधर देखिए श्रय श्रमिक का स सपेरा में, श्रय तत्सम में और स तद्भव में, श्रम, सेवा, श्रमिक, सेवक, श्रृंगार, सिंगार, धन, श्रेष्ठि, धन्ना, सेठ, ये देखिए इस शब्द को ध्यान रखिए, धन्ना, सेठ, श्रवण, सुनना, श्रावण, सावन, अश्रु, आंसु, श्रृंगार, सियार, श्रम, ये श्रय, सेवा, श्रमिक, सेवक, श्रृंगार, सिंगार, धन, श्रेष्ठि, धन्ना, सेठ, श्रवण, सुनना, श्रावण, सावन, अश्रु, आंसु, श्रृंगार, सियार, ये श्रेय, ये सर। अब इसका दूसरा नियम है, दूसरे नियम को देखिए, जब अनुस्वार युक्त शब्द होता है तो तत्सम। जब भी कहीं पर आप अनुस्वार देखें, जब ऑप्शन में चार ऑप्शन के अंतर्गत आपको अनुस्वार दिखा दिए तो वो तत्सम है। अब उसमें से प्रश्न आ जाए कि तद्भव को चुनिए, तो एक शब्द में चंद्रबिंदु हमेशा होगा तो वो तद्भव होगा। चंद्रबिंदु युक्त शब्द तद्भव, अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम और चंद्रबिंदु युक्त शब्द क्या होता है, तद्भव। संस्कृत में अनुस्वार, हिंदी में चंद्रबिंदु। देखिए जैसे तत्सम में पंच, पाँच, तद्भव।
कंचा, कांच, झंगा, ये चंद्रबिंदु, झांग, चंद्रबिंदु आया इसमें, इसमें अनुस्वार, ठीक है, चंचू, चोंच, ओ की मात्रा, यहां पर ये बिंदी, ये इस तरीके का चंद्रबिंदु इसमें लगता है क्योंकि ओ की मात्रा है। चंद्रिका, चांदनी, अंक, आंख, ये देखो चंद्रबिंदु, दंत, दांत, सर्प, सांप, अंधकार, अंधेरा, अंगुली, उंगली, अंगुली और ऊ की मात्रा, ठीक है। फिर इसमें छोटे बड़े ओ की मात्रा आ जाती है, या अंगुरी, कंटक, काटा, अंगुष्ठ, अंगूठा, हंडी, हांडी, ये देखिए चंद्रबिंदु। अब शुंड, सूंड, बंशी, बांसुरी, वंश, बांस, बंद, बांध, अनुसार। इस प्रकार ये नियम आप याद रखेंगे तो आपको आगे तत्सम तद्भव करने में बहुत सरलता होगी। हम कल और अधिक नियम पढ़ेंगे, ठीक है, वो कल नेक्स्ट क्लास में होगा। ये हमारा पार्ट सेकंड था। उसके बाद हम संकर शब्द, देशज विदेशी शब्दों को पढ़ेंगे। प्लीज़ आप वर्ण विचार टॉपिक अच्छी तरीके से कवर करिएगा। सैटरडे को हम टेस्ट सीरीज लाएंगे, ठीक है। थैंक्स।